जितेंद्र, ये बताइए, जो तस्वीर हम यहाँ पर उभरती हुई देख रहे हैं, परिवार एक तरफ सुरक्षा भी मांग रहा है, अब ये देखिए धारा 144 वहां पर लागू है, लेकिन महापंचायत भी हो रही है और वहां पर आरोपियों के समर्थन में हम देख रहे हैं कि आवाज उठ रही है। इस बीच परिवार को यकीनन डर लग रहा है वहां पर रहने में। सरकार की तरफ से क्या कोई कोशिश, कोई प्रयास अभी ऐसे कि आगे उनको सुरक्षा दी जा सकती है पीड़ित परिवार को? बिल्कुल मीनाक्षी, इसी बात को लेकर के जो परिवार वाले हैं वो सवाल उठा रहे हैं। उनको इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पर जब तक पुलिस है, मीडिया वाले हैं, तब तक ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमने अब से थोड़ी देर पहले परिवार वालों से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यहाँ पर उनको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा इस तरीके की हो जो परमानेंट सुरक्षा इनको यहाँ गाँव में मिलती रहे। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंचायत हो रही है और उस पंचायत में इन लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये लोग गाँव में रहेंगे तो इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। पुलिस की हालांकि व्यवस्था यहां पर की गई है, अभी की जो स्थिति आपको बता दें, ग्राउंड जीरो पर वो सिचुएशन है कि पुलिस चारों तरफ यहां गांव में मौजूद है, लेकिन परिवार वालों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर पुलिस चली जाएगी तो क्या इनके साथ इंसाफ होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के परिवार वाले अभी भी डरे हुए हैं और इस बात का आश्वासन सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको देना पड़ेगा जिससे कि परिवार में इस तरीके का भय कायम न रहे। अब ये भी बताइए अभिषेक, आप हमें, हम देख रहे हैं कि परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच ठीक है वो एक तरफ, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। परिवार जब ये कह रहा है, परिवार को भी आई एम श्योर लोग होंगे गाइड करने वाले जो उनको सलाह दे रहे हैं कि उन्हें आगे कैसे कदम उठाना चाहिए। सरकार कैसे इस पूरे परिस्थिति पर नजर बनाए हुए और इस पूरी मांग का क्या मतलब है अभिषेक? देखिए मीनाक्षी, जब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई तब तक सीबीआई जांच की डिमांड नहीं उठी थी, यानी कि जब से ये घटना घटी थी जो लोकल जांच पुलिस कर रही थी और साथ साथ एसआईटी की जांच की बात की गई थी, लेकिन अचानक से सरकार को ये लगा कि ज्यादा किरकिरी हो रही है तो उन्होंने सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली। कुल मिलाकर के सरकार का मानना है कि चूंकि जितने बड़े मामले हुए हैं उसमें सीबीआई जांच पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पर या उनकी जांच पर, एसआईटी पर अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो सीबीआई जो जांच करेगी कम से कम उस पर उनको भरोसा हो जाए। लेकिन जो परिवार है वो अब सीबीआई की जांच नहीं चाहता और ना ही एसआईटी की जांच पर उसका भरोसा है। अब वो चाहता है कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात की जांच करें। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ सवाल खड़े जरूर होते हैं कि आखिर सीबीआई से जांच कराने में क्या बुराई है, क्या इस संस्था से जांच नहीं की जा सकती? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बात का कोई जवाब निकल करके सामने नहीं आता मीनाक्षी कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजनीति हुई है, जिस तरीके से लोग वहां पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार को कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें बताई गई हैं और शायद परिवार को ये लग रहा है कि इन सब चीजों का, इन सब जांचों में हो सकता है कि उन्हें न्याय ना मिले। अबे दुबे जी, सीबीआई जांच से क्या परेशानी है, भरोसा नहीं है? देखिए मीनाक्षी खंडवाल जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, जिस निर्भीकता से आप और आपके एंकर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, परिवार की पीड़ा और वेदना को बता रहे हैं, ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को प्रतिबिंबित करता हुआ आज तक को भी मैं बधाई देता हूं। मगर आरोप क्या है? आरोप यह है कि संवेदनशीलता के नाम पर क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात की पल पल की जानकारी नहीं थी? इतना संवेदनशील मुद्दा है, मुख्यमंत्री नहीं मॉनिटर कर रहे थे? तो लोगों में यह आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसको प्रभावित कर रहा है जांच को। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, जितने सर्कमस्टेंशियल इविडेंसेस होते हैं, जितने फॉरेंसिक इविडेंसेस होते हैं, उनको अगर नियोजित रूप से सरकार ने समाप्त किया है, फिर सीबीआई को इंक्वायरी के लिए देने से बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट की तो मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी हो, चाहे फिर वो सीबीआई करे मगर सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि होना तो ये चाहिए था कि जब एमएलसी हुआ, सबसे पहले मेडिको लीगल केस जब पहले दिन हुआ, तभी आपको ये जांच करनी चाहिए थी कि सीमन है कि नहीं है। 14 तारीख की घटना का 22 को आप संज्ञान लेते हो और जांच करते हो, उसके बाद भी ट्यूबिक हेयर की आपने कोई जांच नहीं की, नाखूनों की कोई जांच नहीं की, तो ये पोस्टर न्याय व्यवस्था का फाड़ दिया उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।